हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये वाला डांस। रोटी तेरे हाथों से खाके आया, कन का पी के छाया नशा बड़ा। So guys, आपने वीडियो देख लिया होगा, चलिए इसको सीखते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। लेट्स गो। सो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। ओके, सो फर्स्ट अपन को देखो क्या करना है। अपन को क्या करना है, फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कहां से, अपने लेग्स रहेंगे नोज, ठीक है। एंड अपन को क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले लेग को इस तरह से अपने टॉप पे अप करना है। ओके, देन फिर अपने राइट वाले लेग को अपने टॉप पे अप करना है। ओके, सो अपने लेग्स इस तरह से, अपना लेफ्ट वाले लेग को अपने टॉप पे अप, देन फिर अपने राइट वाले लेग को अप, ठीक है। एंड साथ में अपन क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे, 1 and 2। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, अपने दोनों हैंड्स को अपने कानों पे टच कर रहा हूं, ठीक है। सो इस तरह से क्रॉस करके देन फिर ओपन करके, ओके, सो अपन सॉरी करते हैं, तो उस तरीके से अपन को अपने दोनों हैंड्स को मूव करना है, ठीक है। सो क्रॉस एंड ओपन, अपने को माफी मांगनी है, ठीक है, समझ में। सो लेफ्ट वाले लेग के साथ क्रॉस, देन राइट वाले लेग के साथ ओपन, ठीक है। सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 2। देन फिर इसके बाद अपन क्या करना है, इसके बाद अपन को 2 counts अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहां पे मतलब फील करना है म्यूजिक को। ओके, सो आप नॉर्मली इस तरह से बाउंस बाउंस कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे अपने खत्म करा, 1 2, देन फिर इसके बाद 2 counts अपन को नॉर्मली बाउंस करना है, मतलब फील करना है वहां पे म्यूजिक। सो 1 2 इस तरह से अपन फील करेंगे, ओके, बाउंस बाउंस। साथ में आप अपने दोनों हैंड से जो भी आपके नीचे पे हैंड का उसको आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो ये स्टेप आपको जिस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, फिर से देखो, 5 6 7 को 1 2 3 4 खत्म करा अपन। ओके, सो 2 counts अपन ने फील करा म्यूजिक को। ओके, देन फिर इसके बाद अपन क्या करना है, इसके बाद जो अपनी चेस्ट है, ओके, इस चेस्ट को अपन को इस तरह से इन इन करना है 2 times। ओके, अपनी चेस्ट को इस तरह से इन इन, ठीक है। साथ में अपन को क्या करना है, अपने लेफ्ट वाली हैंड को इस तरह से अपनी शोल्डर पे टच करके डाउन करना है इस तरह से। सो अपने लेफ्ट वाली हैंड को इस तरह से मूव करना है, अपनी शोल्डर पे इस तरह से टच करके डाउन, एंड फिर अपने राइट वाली हैंड को ऐसे ही अपने राइट वाली शोल्डर पे टच करके डाउन। ओके, एंड साथ में अपन क्या करेंगे, अपनी चेस्ट को इस तरह से इन इन इस तरह से मूव करेंगे। ओके, सो 1 2 इस तरह से ये स्टेप हो जाएगा। फिर से देखो, 1 2। ओके, सो फर्स्ट लास्ट दैट्स राइट, ठीक है। सो यहां तक एक बार अपन करते हैं स्टार्ट से, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अपने लास्ट खत्म कर दिया, 5 6, देन फिर 7 और 8 में अपन को क्या करना है, पीछे की तरफ मूव होना है इस तरह से, राइट लेफ्ट। ओके, इस तरह से अपन को पीछे की तरफ मूव होना है, थोड़ा सा फास्ट इस तरह से, राइट लेफ्ट। ओके, एंड साथ में अपन क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से ओपन करेंगे। ओके, सो इस तरह से क्रॉस करके ओपन करेंगे अपने दोनों हैंड्स को। ओके, सो अपन ने लास्ट खत्म कर दिया ये राइट साइड। ओके, देन फिर यहीं से 1 2 3 4 इस तरह से अपन को पीछे की तरफ मूव होना, ठीक है। सो यहां तक करते हैं एक बार अपन स्टार्ट से, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अपन इस तरह से पीछे की तरफ मूव हुए, देन फिर इसके बाद अपन क्या करने, पीछे आते हैं अपन क्या करने, अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से आगे की तरफ टैप करना है। ओके, सो अपने राइट वाले लेग को उठा के अपन को आगे टैप करना है, देन वापस से उठा के टैप करना है, एक और बार उठा के टैप, देन वापस से उठा के टैप। सो 4 counts तक अपन क्या करना है, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से टैप 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 करना है, ठीक है। साथ में अपन क्या करेंगे, जब अपन इस तरह से टैप करेंगे तो अपन को जंप भी करना है, जंप 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 जंप। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से आप उठा रहा हूं, तब मैं जंप कर रहा हूं इस तरह से, जंप। ओके, सो जंप, फिर वापस जंप एंड जंप, ठीक है। सो अपन इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, फिर से देखो, 1 2 3 4। ओके, सो अपने राइट वाले लेग को अपन आगे की तरफ टैप 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 करें, साथ में जंप भी करें अपन इस तरह से, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी के साथ अपन अपने हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे, देखो 4 counts तक, 1 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 में अपने लेफ्ट वाले हैंड को इस तरह से डाउन कर सकता हूं, राइट वाले हैंड से मैं इस तरह से क्लैप कर रहा हूं, देन फिर अपने राइट वाले हैंड को उल्टे हाथ से क्लैप कर रहा हूं। ओके, सो ये हो जाएगा, 1
then fit 2 and fit 3 और 4 में अपन लोग क्या करने अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से अपसाइड 3 4 ओके सो 3 में थोड़ा सा इस तरह से अपसाइड अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करना 3 एंड फिर 4 में थोड़ा सा डाउन 4 ओके सो अपने हैंड्स इस तरह से मूव हो रहे हैं इसमें 1 2 3 4 ओके सो ये फास्ट होगा थोड़ा तो फास्ट करेंगे अपन अपने हैंड्स को तो ये कुछ ऐसे लगेगा देखो 1 2 3 4 ओके लेग्स के साथ देखो अपन ने लास्ट खत्म करा बैक देन फिर यहीं से 1 2 3 4 ओके फिर से देखो 5 6 7 को बैक देन फिर यहीं से 1 2 3 4 ओके यहां तक कर लेते हैं एक बार का स्टार से ओके चलो 5 6 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 and 8 then 1 2 3 4 okay अपन ने खत्म करा 1 2 3 4 then फिर इसके बाद अपन को क्या करना है नीचे से अपन को क्या करना है अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से क्रॉस में स्टेप करना है इस तरह से स्टेप करते हैं अपने लेफ्ट वाला लेग इस तरह से अप हो जाएगा then यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को स्टेप करना है राइट वाला लेग अप हो जाएगा देन यहीं से अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से राइट साइड में स्टेप कर देना है वापस ओके सो ये थ्री काउंट्स हो गए इस तरह से 1 2 3 ओके 1 2 3 इस तरह से ओके सो मैं क्या कर रहा हूं अपने राइट वाले लेग को इस तरह से क्रॉस में स्टेप स्टेप करते हैं अपना लेफ्ट वाला लेग इस तरह से अप देन यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन नीचे रखेंगे राइट वाला लेग अप देन यहीं से अपने राइट वाले लेग को अपन राइट साइड में वापस से ले आएंगे इसी के साथ अपनी बॉडी टर्न रहेगी लेफ्ट साइड ओके सो ये थ्री काउंट्स इस तरह से हो गए 1 2 3 ओके अब इसी के साथ अपन क्या करेंगे अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे 1 एंड 2 ओके सो मैं इस तरह से अपने दोनों हैंड्स को मूव करा 1 एंड 2 ओके सो 1 एंड 2 इस तरह से अपने दोनों हैंड्स को मूव करेंगे ठीक है सो राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे अपने हैंड्स को ओके सो फर्स्ट राइट देन फिर लेफ्ट ठीक है सो अपन ने लास्ट खत्म करा 1 2 3 4 5 6 7 ओके इस तरह से स्टेप हो जाएगा फिर से देखो 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 में अपना राइट वाला लेग वापस इस तरफ मतलब राइट साइड में है देन इसके बाद अपन क्या करेंगे यहीं से अपना जो लेफ्ट वाला लेग है ओके इसको अपन को राइट के पीछे इस तरह से स्टेप करना है एंड स्टेप के साथ ही अपन क्या करना है अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अपन को टू टाइम अप एंड अप करना है ओके एंड साथ में अपनी बॉडी लेफ्ट साइड में टर्न रहेगी ओके सो लास्ट अपन ने खत्म करा 1 2 3 देन फिर यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन राइट के पीछे स्टेप करेंगे स्टेप करते हैं अपन को क्या करना है अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अप एंड अप उठाना है टू टाइम्स इस तरह से 1 2 एंड साथ में अपन क्या करेंगे अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे 1 2 तो अपन को इस तरह से खाना खाना है ओके सो फर्स्ट लेफ्ट वाले हैंड से फिर राइट वाले हैंड से ओके सो 1 एंड 2 इस तरह से स्टेप हो जाएगा ठीक है सो अपन ने लास्ट खत्म करा 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 इस तरह से स्टेप हो जाएगा ओके सो 7 देन 8 ओके सो अपन ने लास्ट खत्म करा 7 8 ओके 8 खत्म करा देन फिर यहीं से अपन को क्या करना है यहीं से अपन को एक जंप लेना है इस तरह से जंप ओके एंड जंप के साथ ही अपन क्या करेंगे अपने दोनों लेग्स को अपन आगे की तरफ इस तरह से टर्न करें ओके सो मैं क्या करूं अपने दोनों लेग्स को इस तरह से अप उठा रहा हूं ठीक है सो अपन को एक जंप करना है इस तरह से जंप ठीक है एंड इसी के साथ जब अपन जंप करेंगे तो अपने दोनों हैंड्स को अपन इस तरह से अपने हेड के पीछे ले आएंगे ओके सो ये स्टेप कुछ इस तरह से जाएगा जंप देन अपन डाउन आए देन डाउन आते ही अपन को क्या करना है अपने दोनों लेग्स को अपन को अपने टोज पे इस तरह से टर्न करना है बैक साइड में इस तरह से अपने टोज पे इस तरह से टर्न ओके अपने दोनों लेग्स को अपने टोज पे इस तरह से टर्न करना है साथ में अपन क्या करेंगे अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से राइट साइड में मूव करेंगे इस तरह से राइट साइड में ओके सो बूम ठीक है सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 खत्म करा अपने देन यहीं से लेफ्ट राइट देन इसके बाद जंप टर्न ओके सो अपन ने लास्ट खत्म कर दिया जंप टर्न देन फिर टर्न वापस से जगह पे आए देन जगह पे आते ही अपन को क्या करना है टू काउंट्स अपन को जंप जंप करना है सर जंप जंप एंड जंप जंप करते हुए अपन को राइट साइड में घूमना है 1 2 इस तरह से ओके अपन टू काउंट्स जंप जंप करेंगे राइट साइड हो जाएंगे और अपन साथ में 1 2 एंड साथ में अपन क्या करेंगे अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से 1 2 राइट साइड में इस तरह से लेके जाएंगे ओके सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा अपन ने लास्ट खत्म करा 1
टू, देन इसके बाद थ्री फोर, ओके थ्री फोर में अपन जंप जंप करके राइट साइड में घूमेंगे, ठीक है थ्री फोर, देन फिर यहीं से अपन को क्या करें, अपन को एक जंप करना है छोटा सा, एंड जंप के साथ ही अपने लेफ्ट वाले को अपन को इस अप उठाना है इस तरह से बैक से, ओके एंड साथ में अपन को क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से रोल करके अप करना है, ओके अपने दोनों हैंड्स लास्ट यहां पे होंगे, देन यहीं से अपने दोनों हैंड्स को अपन क्या करेंगे इस तरह से रोल एंड अप, ओके सो मेरे लास्ट यहां पे तंग हुए हैंड्स, देन यहीं से मैं अपने हैंड्स किस तरह से कर रहा हूं रोल एंड अप, ठीक है सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो लास्ट अपन ने खत्म करा जंप टर्न वन टू एंड जंप, ओके सो अपन ने लास्ट खत्म करा वन टू एंड फिर अपन को एक छोटा सा जंप लेना है, जंप के साथ ही अपने लेफ्ट वाले को अपन को इस तरह से किक करना है बैक साइड में, ठीक है इस तरह से आप करना है अपने लेफ्ट वाले को, साथ में अपन क्या करें अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से रोल करके अप, ओके सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा जंप जंप अप, ओके यहां तक करें एक बार अपन स्टार्ट से, फिर आगे करते हैं, ओके एक दो स्टेप और बचे वो और बता देता हूं फिर मैं आपको, ठीक है पहले एक बार अपन यहां तक कर लेते हैं, चलिए फाइव सिक्स 5, 6, 7 go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 jump 10, 1, 2, 3 ओके अपन ने 3 में इस तरह से इस पोजीशन पे है, देन फिर यहीं से अपन क्या करने यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को नीचे रखना है एंड नीचे रखने के साथ ही अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से अप एंड अप उठाना है 2 टाइम्स इस तरह से अपने राइट वाले लेग को अप एंड अप एंड इसी के साथ अपन क्या करेंगे फ्रंट साइड रोल होंगे अपन इस तरह से 1 2 ओके तो ये कुछ स्टेप इस तरह से हो जाएगा 1 2 साथ ही अपने हैंड्स इस तरह से अपन ने जो भी नीचे पहन रखा उसको अपन को इस तरह से होल्ड कर लेना है अपने दोनों हैंड से ओके सो अपने लास्ट खत्म करा 1 2 3 देन फिर से 4 5 ओके सो अपने लास्ट खत्म करा अप एंड अप अप एंड अप करा देन नी से अपन क्या अपने अपने राइट वाला ले अप हुआ लास्ट ओके सो ये हो गया इस तरह से 1 और 2 में इस तरह से अपना राइट वाला लेग अप हुआ देन फिर यहीं से अपन क्या अपने अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से लेफ्ट साइड में स्टेप करने एंड वापस से जगह पे लाना है इस तरह से और इसी के साथ अपनी बॉडी लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगी ओके सो लास्ट अपन ने खत्म करा ये अप एंड अप देन फिर यहीं से अपन क्या करेंगे अपने राइट वाले लेग को इस तरह से लेफ्ट साइड में स्टेप करेंगे एंड वापस से जगह पे लाएंगे ठीक है सो ये स्टेप इस तरह से जाएगा 1 2 ओके सो 1 2 साथ में अपनी बॉडी लेफ्ट साइड टर्न हो गई एंड इसी के साथ अपन क्या करेंगे अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करेंगे अपने लेफ्ट वाले हैंड को तो इस तरह से एकदम स्ट्रेट रखेंगे लेफ्ट साइड में एंड अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से मूव करेंगे 1 and 2 ओके सो मैं क्या कर रहा हूं अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से लेके जा रहा हूं लेफ्ट साइड एंड फिर इस तरह से वापस से लाके अपने शोल्डर पे ला रहा हूं इस तरह से ओके तो ये अपना हैंड इस तरह से मूव हुआ 1 and 2 ठीक है सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा देखो लास्ट अपन ने खत्म किया जंप जंप अप देन इसे 1 2 देन इसके बाद 3 4 ओके अपन ने खत्म करा 3 4 देन फिर यहीं से अपन क्या करना है यहीं से अपन को अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को इस तरह से पीछे स्टेप करना है पीछे स्टेप करने के साथ ही अपनी बॉडी फ्रंट साइड टर्न हो जाएगी देन यहीं से अपने राइट वाले लेग को अपन को आगे स्टेप करना है इस तरह से एंड फिर अपने लेफ्ट वाले लेग को राइट के पास में स्टेप करना है सो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो गया लेफ्ट राइट लेफ्ट ओके सो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट सो जब अपन इस तरह से अपने लेफ्ट वाले को पीछे करेंगे एंड राइट वाले को आगे स्टेप करके एंड अपन आगे की तरफ मूव होके आएंगे तो अपन को क्या करना है इस तरह से बॉडी वेव भी करनी है इस तरह से ओके सो अपन को वेव को बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से निकाला एंड फिर अपने लेफ्ट वाले को राइट के पास रख देना है ओके सो ये स्टेप इस तरह से हो गया लेफ्ट राइट लेफ्ट ठीक है साथ में अपन अपने दोनों हैंड्स को वापस से इस तरह से होल्ड कर लेंगे ठीक है अपन को जो भी अपन ने नीचे पहन रखा उसको अपन को होल्ड कर लेना है अपने दोनों हैंड्स तो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा देखो पूरा अपन ने लास्ट में करा जंप जंप अप देन से 1 2 देन इसके बाद 3 4 एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड यही पे वो डांस खत्म हो जाता है ठीक है गाइस समझ में आया ओके अब चलिए एक बार अपन करते हैं इसको स्टार्ट से लेकर
एंड तक एकदम स्लो आराम से स्टेप बाय स्टेप। ओके चलिए 5 6 5 6 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 jump 10 1 2 3 up up step and hop ball change। ओके गाइस इस तरह से स्टेप्स होंगे स्टार्ट से एंड तक, समझ में आया? ठीक है अब चलिए एक और बार अपन करते हैं, बट अब की बार अपन करते हैं इसको म्यूजिक के अकॉर्डिंग काउंट्स पे, थोड़ा सा फास्ट होगा, ट्राई करते हैं। ओके चलिए 5 6 5 6 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 and 6 1 2 jump and hop 1 2 3 up and up step and hop ball change। ओके गाइस इस तरह से स्टेप्स होंगे म्यूजिक पे। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है इसी पे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @manshupinkar जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके सो जाइए और चेक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीस आउट।